सबसे तेज चैनल पर सबसे तेज बच्चा कौटिल्य पंडित हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और उनके पिता सतीश शर्मा जी भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। लेकिन कौटिल्य पंडित के बारे में आपको क्या बताएं, 5 साल कुछ महीने इनकी उम्र है। साहबजादे को हर कुछ आता है। कई लोग ये मानते हैं कि गूगल के बदले कौटिल्य पंडित से कर लीजिए बात तो हो जाएगी आपकी हर मुश्किल दूर, क्योंकि जानकारियां तमाम इनके दिलो दिमाग में किसी कंप्यूटर की तरह हैं। और इसीलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो ये बताइए कौटिल्य जी कि आप ये जो इतना कुछ जानते हैं लोग बता रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, कैसे इतना कुछ कैसे आता है तुमको? मेरे दादा और पापा और मेरी दीदी और मेरी मम्मी और मेरी टीचर। अच्छा, इन सब ने आपको सब सिखा दिया? हाँ, मैं कोई भी सवाल पूछूं, मैंने बहुत सारे सवाल तैयार किए हुए हैं, कोई भी सवाल पूछूं उसका जवाब आप दे लेंगे? हाँ, शुरुआत करें। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द 5 देशों के नाम, भारत के आसपास 5 ऐसे देशों के नाम बता दीजिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान, चाइना। अच्छा ठीक है, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, डेजर्ट, वो कौन सा है? विश्व का है सहारा, इंडिया से 3 गुना बड़ा। अच्छा, सहारा डेजर्ट, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अगला सवाल एक और करते हैं कि इजिप्ट में कौन सी सबसे बड़ी नदी है? नील और प्रमुख भी। जी, प्रमुख भी नीली है। नीली है, अच्छा प्रमुख भी वही है, एक ही नदी है बड़ी तो। हाँ, अच्छा ये कैसे आपको हमेशा याद कैसे रहता है? ये जो है ये में इंटरेस्ट है। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक कच्चा तेल किस देश से निकाला जाता है? रशिया। अच्छा, ये भी आपको आता है। सबसे अधिक हीरा उत्पादक देश? रशिया। सबसे बड़ा देश अगर एरिया वाइज देखें तो? हाँ, सबसे बड़ा रशिया। वाह, आपको तो ये भी पता है। अब तो मेरे सवाल लग रहा है मुझे कम पड़ जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बड़ी कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, वाह। विश्व में तीसरे स्थान पर कौन सा धर्म आता है? तीसरे स्थान पर हिंदू धर्म। अच्छा, सबसे अधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है विश्व में? चाइनीज। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस देश का हुआ? चाइना। अच्छा, और उसके बाद इंडिया पड़ी। इंडिया हिंदी ऐसे होगी कि हिंदी एक देश, दो देशों में, 3 देशों में बोली जाती है, ये इंग्लिश 55 देशों में बोली जाती है। अच्छा अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? विजय बहुगुणा। क्या हुआ था अभी हाल में उत्तराखंड में? बाढ़ आई थी। बहुत ज्यादा बारिश की वजह से है ना, भारी तबाही मची थी। अच्छा, जरा भारत के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? ये भारत में अगर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एक राज्य है, उसके आसपास के कुछ राज्यों का नाम बता सकते हैं? हाँ। कौन से? छत्तीसगढ़। हाँ? गोवा। हाँ? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अच्छा, गुजरात। अच्छा, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको? हाँ। क्या गोवा के मुख्यमंत्री हैं? मनोहर पणिक्कर। केरल के मुख्यमंत्री? ओमन चांडी। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों के नाम? तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक और केरल और आंध्र प्रदेश। मतलब पूरा मैप दिखता है क्या आपको आगे जब मैं सवाल पूछती हूँ तो? हाँ, क्या करते हो दिन रात मैप देखते रहते हो, करते क्या हो तुम? दिन में तो मैं अपना काम करता हूँ। हाँ? और खेलता हूँ। सतीश जी, कौन सा क्या क्या खिलाते पिलाते हैं, कौन सी चक्की काटा खिलाते हैं? वही जर्नल जी। पर टाइम देते हैं आप काफी? हाँ, टाइम ये वैसे ले लेता है जबरदस्ती करके। हाँ, कैसे ले लेता है? मतलब बस ये हर समय पूछता रहता है जी, कुछ न कुछ। हाँ? नाते समय भी पूछता है, खाते समय पूछता है। हाँ? पूछता रहता है। पृथ्वी का भार कितना है बता सकते हो आप? हाँ, 69,400 शंख मीट्रिक टन। संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका सरफेस एरिया, क्षेत्रफल जिसे कहते हैं, वो भी पता है आपको? हाँ। क्या? 51,01,500 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ये बताइए कि पृथ्वी को कहते हैं ना अपने अपने जो एक्स एक्सिस है उस पे वो झुकी हुई है, कितने एंगल पे? 23 डिग्री। विश्व के महाद्वीपों के नाम बताओ।
एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये एशिया महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है ये भी पता है क्या आपको? हाँ। कितनी? 4 अरब 16 करोड़। वर्ल्ड की आधी से ज्यादा आबादी एशिया में है। यूरोप महासंघ सिर्फ बात करें तो यूरोप महाद्वीप जो है उसकी जनसंख्या कितनी है? यूरोप हाँ महाद्वीप की हाँ? यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या है 73.5 करोड़। और ये अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या? अभी तो अब तो 99 करोड़ हो रही है। अच्छा, और थी 101 करोड़ कम होगी। अच्छा, विश्व की कुल जनसंख्या बताइए जरा। विश्व की? पूरे विश्व की जनसंख्या, कुल जनसंख्या। पूरे विश्व की कुल जनसंख्या है हाँ। 7 अरब से ऊपर। जीडीपी के आधार पर विश्व के 5 अमीर देशों के नाम बताओ। जीडीपी के आधार हाँ। पर है हाँ? लग्जमबर्ग और लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ये सबसे अमीर देश है। अच्छा, जीडीपी के आधार पर विश्व के 5 सबसे गरीब देश? बुरुंडी, रवांडा, ज़ाइर, उगांडा, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। कब याद करते हो आप ये सब? मैंने छुट्टियों के बाद याद करा था। गर्मियों अच्छा लगता है जून आपको के बाद? क्यों अच्छा लगता है? पढ़ाई करनी तो अच्छी लगती है पर किसी बच्चे को तो लगती नहीं, वो खेलने में ज्यादा हो जाते हैं। पर पढ़ाई क्यों करनी चाहिए मैडम की ये बताओ, क्यों करनी चाहिए पढ़ाई? पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। क्या बनना चाहते हो आप? IFS। कभी मेरी IFS की थी, कभी मेरी एस्ट्रोनॉट की थी, कभी मेरी साइंटिस्ट की थी, कभी मेरी IAS की थी, पर इनमें सबसे बड़ा तो IAS होता है। IAS भी बनना है, IFS भी बनना है, एस्ट्रोनॉट भी बनना है, साइंटिस्ट भी बनना है, डिसाइड तो कर लो यार। नहीं, अभी भी तो मेहनत करूंगा पर मैंने ये सोच लिया कि IIT क्लियर करके। ओ, पहले IIT क्लियर करोगे फिर IAS या IFS या ऐसा कुछ करोगे, कुछ छोड़ोगे नहीं मतलब हाँ? कितने घंटे पढ़ते हो? तो 1-2 घंटे ही पढ़ता हूँ। USA हाँ। का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कितने स्टेट्स हैं वहाँ पे? पता है आपको लिखा पाएगा यूनाइटेड स्टेट्स हाँ। स्टेट्स कितने हैं वहाँ पर? स्टेट्स 50। और राष्ट्रपति का क्या नाम है? बराक ओबामा। तीन बड़ियों के बड़ी नदियों के नाम बताओ जरा। नील हाँ? अमेज़न और मिसिसिपी। अच्छा ठीक है, विश्व का सबसे लंबा जो पर्वत है वो कौन है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत है लंबा एंडीज, उसके बाद रॉकी। तो ये पहाड़ भी आपको मैप पे कहाँ पे ऐसा पता है? हाँ। किस देश में एंडीज बताओ? एंडीज है पेरू, चिली, अर्जेंटीना। और भी सवाल पूछती हूँ, विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है उसका नाम पता है आपको? हाँ हाँ, बुर्ज खलीफा। और कहाँ पर है ये? UAE में, दुबई में। जाना है दुबई? हाँ। कब जाओगे? तुम्हें पढ़ाई से फुर्सत कहाँ है, तुम घूमने कहाँ जा पाओगे? नहीं, बड़ा होके चला जाऊंगा जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएंगी। हाँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। पासपोर्ट तो जब मैं 6 साल से पहले बन जाएगा। मैं जाऊंगा जब जब तो पापा मम्मी दीदियों का सबका बन जाएगा, पर दादा का भी, दादी का भी बन जाएगा, पर दादा का बाद में बनेगा। अच्छा ये बताओ कि नैरोबी कहाँ पे है? नैरोबी केन्या के अंदर। और सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की है दमिश्क। दमिश्क, अच्छा अच्छा अच्छा। करनाल के अंतरिक्ष यात्री का नाम बता दो। कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में पढ़ा है आपने? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना नाम याद कर लिया। आप एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहते हो आप तो? हाँ। है ना, सब कुछ, सब कुछ बनना है, कुछ नहीं छोड़ोगे किसी के लिए। कुछ और कंट्रीज की बात कर ले हम लोग। मेक्सिको की दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, ग्वाटेमाला। आपको लिखा नहीं पाएगा ग्वाटेमाला? वो देख लिया मैंने।
मतलब तुम्हें ये भी पता है कि एटलस पे मैप पे कौन से कंट्री का नाम लिखा होता है, कहाँ किसका नाम नीचे लिखा होता है, ये भी याद कर लिया तुमने? हाँ, पूरा मैप तुम्हें दिखता है जब मैं सवाल पूछ रही हूँ? कितनी देर देखते हो इस मैप को रोज? इस मैप को कितनी देर देखते हो? मैं ढूंढ लेता हूँ एक दो सेकंड। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे सतीश जी जिनके बच्चे की उम्र इतनी होगी और वो ये देख के हैरान हो रहे होंगे कि आखिर आप इसके साथ ऐसी क्या मेहनत करते हो कि इतनी सारी चीजें याद करते हैं, जबकि बच्चे को उसका अटेंशन स्पैन बड़ा छोटा होता है, तो उसको बिठा के पढ़ाना बहुत मुश्किल है। आपने ऐसा क्या किया कि ये बच्चा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट लेता है? नहीं, पहले जो छोटा था तब भी ये हर समय कुछ न कुछ पूछता रहता था। हम चाहे अपने गाँव में गए, कहीं पर भी गए, तो हर समय कुछ न कुछ पूछता था। वो थोड़ा सा इसका ट्रैक चेंज हो गया, अब वो उन और बातों के अलावा ये पूछने लग गया कि वो देश कहाँ है। अब जैसे अब आपसे अलग से बात करता तो ये पूछता कि आपने ये क्या लगा रखा है, ये क्या होता है, तो पूरी एक्सप्लेनेशन लेता है किसी भी चीज की। कुछ पूछना है तो पूछ लो यार, तुमसे इतनी चीजें मैंने पूछी, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब तुम अपने जीके के सवाल मत पूछना, नहीं तुम्हें मैं परेशान हो जाऊंगी। चलो ये बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे तेज चैनल कौन सा है? तेज मतलब जो जल्दी बोलता है? हाँ, ये तो यही है आज तक। फिर तो यही है आज तक। बस तुम वैसे ही जीत गए पूरी की पूरी कॉम्पिटिशन। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और यही हमारी शुभकामनाएं कि जिस तेजी से, जिस अंदाज में तुमने पढ़ाई की है, मेहनत कर रहे हो, उसी तरह से तुम आगे बढ़ो अपने भविष्य के लिए। जितने सपने तुमने देखे वो सभी सपने पूरे हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही।